कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक और छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना का पता तब लगा जब सहपाठी छात्राओं ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में छात्राओं ने खिड़की से देखा तो छात्रा पंखे से लटकी दिखी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्रा मनीषा बिहार के आनंद कुआं की रहने वाली है और जो कि एलन कोचिंग संस्थान में नीट की तैयारी कर रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कोटा से एवन संवाददाता योगेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है मामले की, क्या कुछ रहा पूरा मामला? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि देर रात की घटना है। कुन्हाड़ी इलाके के एक रेजिडेंस में बिहार निवासी मनीषा रेड्डी जी काफी टाइम से और एलन कोचिंग संस्थान को मेडिकल की और नेट की तैयारी कर रही थी। देर रात को उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक जो अभी तक जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो छात्रा है वो काफी थोड़े दिनों पहले ही कुछ जो है कोटा आई थी और उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था, पढ़ाई का दबदबा था कोचिंग संस्थान की तरफ से, इस वजह से उसने आत्महत्या की। जी योगेंद्र, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा नगरी कोटा में, कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, लेकिन ये आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है, तो क्या कोचिंग संस्थाओं पर कुछ नकेल कसी जाएगी या कुछ परीक्षण के पैमाने बनाए गए हैं? पूजा, आत्महत्या की बात करें तो अभी तक तकरीबन 36 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड किया है कोटा में, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी काफी गाइडलाइन जो बनाई गई है कोचिंग संस्थान की तरफ से कि हर हफ्ते किसी ना किसी की एक्टिविटी जो है कोचिंग संस्थान में कराई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी यहाँ पे देखी नहीं गई है। और प्रशासन की तरफ से हमेशा बैठक ली जाती है, बैठक में ये निर्णय लिया जाता है और सख्त निर्देश दिए जाते हैं कोचिंग संस्थानों को कि वो बच्चों पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना डालें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के जो आदेश है, जो निर्देश है, वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, जिसका नतीजा है कि इस साल तकरीबन 5 से 6 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। और एक और जो ये मनीषा नाम की छात्रा है, ये भी बिहार की रहने वाली थी। इसके पहले की जितने छात्र जो जिन्होंने सुसाइड किया वो भी बिहार, पटना के आसपास के, यूपी के रहने वाले। लेकिन अभी तक जो कोचिंग संस्थान है की बात करें, रेजोनेंस की बात करें, करियर पॉइंट की बात करें, जो भी नामी गिरामी कोचिंग संस्थान कोटा में मौजूद है, उनके ऊपर प्रशासन का, सरकार का कोई इस तरह का कोई दबाव अभी तक देखने को नहीं मिला है कि वो छात्रों पर और छात्रों के भविष्य की तरफ ध्यान दे सके। जी योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे एवन संवाददाता योगेंद्र, जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों पर गाइडलाइन जारी कर रखी है, लेकिन ये कोचिंग संस्थान, नामी गिरामी कोचिंग संस्थान, किस तरह से प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिसका प्रतिफल है छात्रों की मौत।